दो फ्रेंड्स को एक ही लड़की से प्यार हो जाता है, उससे ऑब्सेस्ड हो गए थे, उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अब एक किस हद तक जाएंगे ये हम आज की हमारी मूवी टैंगल 2001 की एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारे मेन कैरेक्टर डेविड को हॉस्पिटल में लाया जा रहा होता है। अभी एक बहुत ही डेंजरस फाइट में होता, पर इसके बारे में उसे ज्यादा कुछ भी पता नहीं है। पुलिस को उसके पास एक लड़की की कुछ चीजें मिली थी, तो उसे पूछते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है। डेविड को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, उसे लास्ट मेमोरी जो भी आ रही थी इसके बारे में डिटेक्टिव उसे बताने के लिए कह दिया। कल डेविड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उठा। गर्लफ्रेंड का नाम है जेनी और ये हमारी और एक मेन कैरेक्टर है। वो पूरे घर में सिगरेट ढूंढ रही थी और उसे मिल नहीं रहे थे, इस वजह से वो इरिटेट हो गई थी। डेविड उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, पर जेनी इसे ध्यान भी नहीं देती, इस वजह से डेविड को बहुत ही बुरा लगा था। हम देख सकते हैं कि बाहर से एक आदमी उन पर नजर रख रहा था, वो उनकी बिल्डिंग में घुसने का ट्राई करता है। एक आदमी अपार्टमेंट से बाहर निकला तो अंदर आ जाता है। यह हमारा और एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है एलन। मौके का फायदा उठाकर एलन घर में घुस गया और जेनी को किस करने वाला था। ये देखकर डेविड उसे बहुत मारता है। एलन को देखकर उसने अपनी गन निकाल ली। गन को लेकर इनमें फाइट होती है और जेनी की तरफ एक गोली चल गई थी। एलन के हाथ में फाइनली गन आ गई। जेनी बेहोश हो गई थी और इसके बाद डेविड को कुछ भी याद नहीं। डायरेक्टर को जब पता चला कि डेविड एलन को जानता था तो कहती कि मुझे स्टार्टिंग से बताओ तुम तीनों में रिलेशनशिप क्या थी। डेविड कहता है कि मैं जेनी को कॉलेज से जानता था, वो हमेशा अपने क्लास में लेट हो जाती थी। एक दो सालों में उसने अपना करियर जुटाया और जेनी से बात करना स्टार्ट कर दिया। बुक्स की फिलोसॉफी को लेकर इनमें कंफ्लिक्ट थी, पर इसी कंफ्लिक्ट की वजह से इन दोनों में बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। एक दिन ये डिस्कस कर रहे थे। डेविड कहता है कि अगर आपको किसी से प्यार है तो आप जो एक्शंस लेते हो इससे पता चल जाता है कि आप उससे प्यार करते हो। पर जेनी का ये मानना था कि आपको बोलकर भी दिखाना चाहिए, आप जो चीज चाहते हो ये वो कर देनी चाहिए। अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए जेनी डेविड के पास आई और उसे नाक पर काट लेती है। वो हमेशा इसी तरीके से उसका मजाक करती रहती है। डेविड बेचारा उसे लेकर बहुत ही सीरियस था। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने ही रहते थे। डेविड हमेशा देखता तो जेनी बहुत सारी डेट्स पर जाया करती थी। एक दिन जेनी की डेट से वापस आने के बाद डेविड ने उसे कहा कि वो लड़का बहुत ही घटिया था। उसे पूछता है कि क्या तुम सच्चे प्यार पर बिलीव करते हो, एक आदमी के लिए एक परफेक्ट पर्सन। जेनी ऑफकोर्स इस पर बिलीव करती थी। ये सब बात करते हुए वो अपने कपड़े निकाल रही थी। डेविड उसे पूछता है कि क्या तुम अपने पार्टनर के पहले फ्रेंड हो सकते हो, उसके बाद लवर्स बन गए। जेनी ने कहा कि फ्रेंड और बॉयफ्रेंड में फर्क ही क्या है। इसके बाद वो अपने कर्टन्स बंद कर लेती है। ये हमेशा एक साथ हैंग आउट करते थे। डेविड ने कहा मेरे फैमिली का एक फंक्शन है, क्या तुम वहां आना चाहोगी। फंक्शन पर आने के बाद डेविड सरप्राइज था क्योंकि उसका एक ओल्ड फ्रेंड वहां पर था जिसका नाम है एलन। एलन पहले उसके साथ हैंग आउट किया करता था, पर बाद में वो कंट्री छोड़कर चला गया था। अचानक से इस तरीके से एलन को देखना है बहुत ही अमेजिंग था। एलन जेनी को देखकर तुरंत उसे डांस के लिए लेकर जाता है। जेनी कहती है कि तुम तो बहुत ही अच्छा डांस करते हो। एलन ने कहा कि अगर तुम अपने पार्टनर की हार्ट बीट सुन पाओ तो बहुत ही अच्छा डांस होता है। जेनी को ये सब बातें बहुत ही अच्छी लगी थी। कॉलेज में एलन और डेविड क्या 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 करते थे इन सब के बारे में उसने जेनी को बताया। डेविड ने पूछा तुम वापस कब आए, अब क्या करने वाले हो। एलन कहता है कि तुम्हारे कॉलेज को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ज्वाइन करने के लिए जरा लेट हो चुका था, पर उसे ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ड्राइव करते हुए जब घर जा रहे थे तो जेनी कार पर सोई हुई थी। एलन को यह बहुत ही अच्छा लगता है और वो डेविड से कहता है कि गाड़ी की स्टेयरिंग व्हील संभालो। वो भी गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। वो जेनी से कहता है कि मैं सिर्फ दो चीजों पर बिलीव करता हूँ, डेस्टिनी और इस तरीके से अजीब वो गरीब चीजें करना। एलन यहाँ रहने के लिए एक जगह ले लेता है। जेनी और डेविड उसे मूव इन करने के लिए हेल्प कर रहे थे। सब सामान में डेविड ने एलन के कुछ ड्रग्स देखे। डेविड पूछता है कि तुम्हारे पास ये सब इतनी ज्यादा क्वांटिटी में क्यों है। एलन ने कहा कि एक मेरा फ्रेंड है जिसके लिए मैं संभाल कर रख रहा हूँ। एक दिन डेविड जेनी के पास आता है, उसने उस पर एक बहुत ही अच्छी सी पोएम लिखी थी जो उसे पढ़कर सुनाता है। जेनी को यह बहुत अच्छी लगी, उसके करीब आ रही थी, पर डेविड इस बात को समझ नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में एलन और डेविड डिस्कस कर रहे थे और एलन पूछता है कि क्या जेनी का कोई बॉयफ्रेंड है। डेविड कहता है कि वो अलग अलग डेट्स पर जाती रहती है पर उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं, वो बहुत ही स्मार्ट है और तुम्हें उसे डेट नहीं करना चाहिए। एलन पीछे नहीं हटता तो डेविड ने कहा कि तुम जो चाहते हो वो करो। एलन फिर डायरेक्टली जेनी के पास आ गया। वो कुछ खा रही थी तो उसे फ्लर्ट करने लग गया। जेनी उसके मुंह पर डोनट मारकर भाग जाती है। ये दोनों एक दूसरे का बहुत मजाक लेते हैं। रात में डेविड जेनी से मिलने के लिए आया। हैंगआउट करते वक्त डेविड ने जेनी को किस करने की कोशिश की, पर जेनी कहती है तुम्हारे फ्रेंड ने मुझे डेट के लिए पूछा है। डेविड ने कहा कि उससे जरा बचकर रहो, बहुत सारी लड़कियों को उसने फंसाया हुआ है, उसके छोड़ देने के बाद उन लड़कियों को बहुत ही बुरा हाल होता है।
डेविड की वार्निंग के बावजूद जेनी एलन के साथ डेट पर गई तो इस बात से वो गुस्सा हो गया। जेनी उसे कॉल करने की कोशिश करती है पर उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था। एक दिन जेनी एलन की फोटोज ले रही थी। एलन कहता है कि मेरी फीलिंग्स बताना मुझे सही से आता नहीं, पर उसके लिए फील करता है। फोटो लेते हुए उसने उसे पकड़ लिया और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जेनी बहुत दिनों से डेविड को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही थी पर उसका कोई भी कॉल वो उठाता नहीं। पैरेलल में जेनी और एलन की रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी चल रही थी। एक दिन एक कॉलेज के इवेंट पर मिले और जेनी कहती कि तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट क्यों कर रहे हो। डेविड ने कहा कि एलन के साथ रिलेशनशिप रखने के लिए मैंने तुम्हें वार्न किया था। जेनी कहती कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में क्या पता, तुम अपनी रोमांटिक फीलिंग्स सिर्फ कागज पर लिखते हो, इस पर कुछ भी एक्ट नहीं करते। इसके बाद डेविड से मिलने के लिए एलन आता है। डेविड ने कहा कि क्या ये तुम पतंग देख रहे हो, हमें लगता है कि वो डोर पतंग को बांधे रख रही है, पर ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ उसे एक डायरेक्शन देने का काम करती है। अगर ये उसके साथ नहीं हो तो कहीं भी भटक जाएगी। एलन समझ गया कि पतंग जेनी है और डोर डेविड है। एलन कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। डेविड ने कहा कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की हालत मैंने देखी है, ये वो जेनी के साथ होता नहीं देख सकता। एलन कहता है कि उस चीज को बहुत टाइम गुजर गया है, अब ये सब नहीं होगा, वो एक्चुअल में जेनी को लाइक करता है। डेविड अब भी गुस्सा था तो एलन ने डेविड को अगले दिन डायरेक्टली किडनैप कर लिया। वो जेनी और उसे जबरदस्ती एक अबैंडन जगह पर लेकर जाता है। एलन ने कहा कि ये घर दो ब्रदर्स का था, उनमें से एक बहुत ही घटिया था, उसने दो मर्डर कर दिए थे और वो भाग चुका था। उसके फादर ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर फाइनली शायद उसने अपने फादर को भी मार दिया था। उन्हें बिठा कर कहता है कि एक दूसरे को हक करो, हमने जो भी इश्यूज है इन्हें भुला दो, हम सब फ्रेंड्स हैं, इस तरीके से नहीं रह सकते। डेविड कहता है कि मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आ सकता, मेरे होने या ना होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जेनी ने कहा कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, ऑफ कोर्स तुम मैटर करते हो। इसके बाद सबका गुस्सा चला गया और सब मिलकर पार्टी करते हैं। जेनी कहती कि शायद इसी तरीके से हम हमेशा रह पाए। अगले दिन वो डेविड को अकेला छोड़कर इंटीमेट होने के लिए चले गए। रात में एक बार में तीनों हैंग आउट कर रहे थे। डेविड को एक लड़की अच्छी लगी थी जिसका नाम था एलिस। एलन ने कहा कि जाकर तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। डेविड कतरा रहा था तो एलन ही जाकर एलिस से बात करता है। उसने डेविड के लिए एलिस का नंबर ले लिया। डेविड कहता है कि कभी कभी आप एलन पर बिलीव नहीं कर सकते। जब वो कॉलेज में था तो एक साथ दो लड़कियां उसके प्यार में थी, उन लड़कियों को पता चल गया था पर फिर भी एलन ने उन दोनों लड़कियों के साथ रिलेशनशिप रखी थी। जेनी को यह बात सुनना अच्छा नहीं लगता पर फिर भी उसे इग्नोर कर दिया। अगले दिन डेविड एलिस के साथ डेट पर आया। एलिस उसे देखकर सरप्राइज थी क्योंकि उसे लगा था कि वो एलन के साथ डेट पर आ रही है। थोड़ी सी ऑकवर्ड कन्वर्सेशन के बाद सचमुच में ये दोनों बातें करने लग गए। डेट के बाद एलिस डेविड को घर पर लेकर जाती है। एलन बहुत ही खुश था कि डेविड और एलिस अब एक साथ है। जेनी इनके पास आती है और वो आज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उसके फादर उसे कल मिलने वाले थे। उसके फादर हमेशा बिजी रहते थे और कभी भी मिल नहीं पाते थे। जेनी कहती कि अब सब कुछ अमेजिंग होगा, तुम और एलिस एक दूसरे के प्यार में पड़ जाओगे और हम सब मिलकर डेटिंग करेंगे। ये सब कमिटमेंट की बात सुनकर एलन को अनकंफर्टेबल लगा और वो वहां से चला जाता है। जेनी इस बात से अपसेट हो जाती है और डेविड से कहती है शायद मैंने एलन को ज्यादा ही पुश कर दिया। कल मेरे फादर के साथ डिनर करने के लिए एलन को भी मैंने साथ आने के लिए कहा हुआ था। डेविड कहता है कि मैं उसे बात करता हूँ। डेविड ने एलन से कहा कि अगर तुम उसके फादर के साथ डिनर नहीं करना चाहते तो मैं वहां पर चला जाऊंगा। एलन को यह बात ठीक लगी थी। वो कहता है इस रिलेशनशिप को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। ये दोनों जेनी के फादर से मिलने के लिए तो गए पर फादर आते ही नहीं, इससे वो बहुत ही अपसेट हो गई थी। घर छोड़ते वक्त डेविड ने उसे सहारा दिया। उसे किस करने की कोशिश करता है पर जेनी उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। वो कहती कि क्या सब कुछ तुम इसी के लिए कर रहे थे। डेविड उसके पीछे पीछे जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है। वो घर में आए तो एलन एलिस के साथ इंटीमेट हो रहा था। जेनी इस बात से बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई। एलन उसे बहुत बार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है पर उसका एक भी कॉल वो उठाती नहीं। एक दिन लाइब्रेरी में जेनी से बात करने के लिए एलन पहुंच गया। डेविड ने उसे रोक लिया और कहा कि उसे तुमसे बात नहीं करनी। इन दोनों में बहुत फाइट हुई। एलन कहता है कि मुझे पता है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे सिर्फ एक चांस दो, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जेनी उससे कुछ भी बात नहीं करती। रात में उसने जेनी की खिड़की को एक पत्थर मारकर फेंका, इससे वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी और डायरेक्टली डेविड के पास आई। अगले दिन एलन के घर पर पुलिस आए, उन्हें वहां पर ड्रग्स मिलते हैं और एलन को 1.5 साल की सजा हो जाती है। जेनी ने अब फाइनली सेफ महसूस किया। डेविड और वो करीब आ गए और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इनके रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से प्रोग्रेस कर गई थी, 1.5 साल में एक दूसरे के साथ रहने लग गए थे। नेक्स्ट सीन में अब हम प्रेजेंट देखते हैं। डिटेक्टिव डेविड के पास आए और डायरेक्टली उसे अरेस्ट कर लेती है। वो कहती है कि गन पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट है, ये सब कुछ तुमने ही किया है। डेविड कहता है कि शायद तुम सच बिलीव नहीं करोगी,
ये जब वो बात कर रहा था तो हॉस्पिटल में एलन और जेनी को लाया जाता है। मूवी के फर्स्ट में जो हुआ था इसके बारे में अब डेविड बताता है। वो कहता है कि एलन ने हमें किडनैप कर लिया था। एलन कहता है कि मैं फिगर आउट नहीं कर पाया, तुम दोनों में से पुलिस को मेरे ड्रग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन किसने दी थी। इस तरीके से मेरे लाइफ के साथ खेलना है बहुत ही ज्यादा गलत था। हमेशा जिस जगह पर वो हैंग आउट करते थे उस जगह पर उन्हें लेकर आता है। पेट्रोल डालकर उसने इस जगह को जला दिया। डेविड पर कुछ पेट्रोल छिड़क कर कहता है कि मुझे सच सच बताओ कि एक्चुअल में मेरे खिलाफ गया कौन था। इसके बाद वो डेविड को कार में बांधकर जेनी को घसीटता हुआ जिस पेड़ के नीचे वो हमेशा हैंग आउट करते थे वहां पर लेकर आता है। उस पेड़ को उसने तोड़ दिया। डेविड खुद को छुड़ा कर घर में आ गया। एलन जेनी से पूछता है कि हम दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप थी क्या वो मैटर करती थी। जेनी कहती कि ऑफकोर्स ये मैटर करती थी। एलन और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया तो डेविड उसे धक्का मार देता है। इस धक्के की वजह से जेनी नीचे गिर गई। ये दोनों भागते भागते जेनी के पास आते हैं। डेविड ने कहा कि तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए था, पर एलन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो डेविड को मारने के लिए आ रहा था तभी डेविड ने गन लेकर एलन को मार दिया। डेविड डिटेक्टिव को कहता है कि मैं सिर्फ खुद को बचा रहा था। एक्चुअल में जेनी मरी नहीं थी तो सिर्फ बेहोश हो गई थी। जेनी से भी पूछताछ की जाती है तो डेविड की स्टोरी से वो मैच करती थी। डिटेक्टिव से उसका पार्टनर पूछता है कि क्या तुम डेविड पर बिलीव करती हो। डिटेक्टिव कहती कि मैं बता नहीं सकती, पर वो डेविड को छोड़ देते हैं। अब एक्चुअल में क्या हुआ था यह हमें पता चलता है। जब एलन ने जेनी से पूछा कि हमारी रिलेशनशिप क्या मैटर करती थी तो जेनी ने उसे कहा था कि अब भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जेनी डेविड के साथ रह रही थी पर फिर भी एलन का फोटो उसके घर में था। इस सब बातों से डेविड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और जेनी को उसने जानबूझकर धक्का दिया था। चोट लगने की वजह से जेनी को ये कुछ भी याद नहीं। डेविड ने एलन से कहा कि ये सब कुछ मैंने किया था, मैंने तुम्हारे घर पर पुलिस भेजे थे। इसके बाद वो गुस्से में उसे मार डालता है। हॉस्पिटल में जेनी डेविड से कहती है कि मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई, मैं बहुत ही सॉरी हूँ। डेविड जेनी को एक्सेप्ट कर लेता है और इसी एक ट्विस्ट के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी में सारे कैरेक्टर्स फॉल्टी थे। जेनी एक साथ डेविड और एलन इन दोनों के साथ फ्लर्ट कर रही थी। एलन ने भी जेनी पर चीट किया था और डेविड ने इन सब से बदला लिया था। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिएगा।